नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। अमिताभ बच्चन ने बीती रात अपने बेटे अभिषेक बच्चन की सराहना करते हुए एक भावनात्मक ब्लॉग लिखा। दसवीं के ट्रेलर के रिलीज के साथ अभिषेक को बहुत प्यार मिल रहा है और बिग बी ने यह भी जताया कि उनके बेटे ने साबित कर दिया कि वह एक उपयुक्त उत्तराधिकारी है। सदी के महानायक ने अपने ब्लॉग में लिखा, एक पिता के लिए सबसे बड़ी खुशी अपने बच्चे की उपलब्धियों को देखना है, उनके नाम की प्रसिद्धि का स्वाद लेना, अभिषेक के पिता के रूप में पहचाना जाना और अभिषेक ने इस मेरे लिए संरक्षित किया। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पर लिखा और अपने पिता की कविता वसीयतनामा वसीयत की विरासत के एक पंक्ति साझा की। बिग बी ने आगे लिखा, मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि अभिषेक मेरा उत्तराधिकारी है। उनके निरंतर प्रयास अलग अलग भूमिकाओं को करने और कठिन भूमिकाएं निभाने की हिम्मत केवल एक चुनौती नहीं है बल्कि एक आईना है। सिनेमा की दुनिया एक अभिनेता के रूप में उनकी क्षमता और उनके लिए उनकी विश्वसनीयता और दृढ़ता को आत्मसात। अभिषेक बच्चन पर निशाना साधने वालों को करारा जवाब देते हुए बिग बी ने लिखा, वे जो किसी विषय पर अपनी अक्षमता के लिए दूसरे की आलोचना और उपहास करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास खुद विषय का पर्याप्त जानकारी नहीं होती। आपको बता दें कि बॉलीवुड के फिल्म रिफ्यूजी से अभिषेक बच्चन ने डेब्यू किया था, तब से लेकर आज तक लोग उन्हें उनके पिता अमिताभ बच्चन से कंपेयर करते हैं। हालांकि अभिषेक कई बार कह चुके हैं कि मुझे एक अलग एक्टर के तौर पर देखें, मेरे पिता से मेरी तुलना करना मेरे साथ अन्याय है क्योंकि वो एक महानायक है। तुषार जयरोटा द्वारा निर्देशित दसवीं अभिषेक यामी गौतम और निमृत कौर अभिनीत एक सामाजिक नाटक है। ऐसी और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।